ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश पर। आप देख रहे हैं तीसरे चरण के रन का नॉनस्टॉप कवरेज। और तीसरे चरण के तहत वोटिंग प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक का ये हाल आपको बता रहे हैं, जहां कुल मतदान 10.78% हुआ है। झंझारपुर सीट की बात करें तो 10.41% वोटिंग हुई है। सुपौल में सबसे ज्यादा 11.41% वोटिंग हुई है। अररिया में 10.97%, मधेपुरा में 10.71%, खगड़िया में 10.41% वोटिंग हुई है। तो ये वोट का हाल आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत सामने आया है और लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। पटना कंट्रोल रूम से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए लगातार कंट्रोल रूम भी कशिश न्यूज की खबर पर नजर बनाए हुआ है और पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां खराबी की बात सामने आई थी, वहां भी अब उस तकनीकी समस्या को दूर कर लिया गया है। वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। गौतम, देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है मतदान हो रहा है। कुछ जगहों पर जो गड़बड़ी की जो संभावना है जो सामने दिखी थी, जिसे बहुत ही समय कम समय रहते हुए जो है उसे सुधार किया गया। तो दो घंटों का जो मतदान प्रतिशत, देखिए मैं आपको मतदान प्रतिशत दिखा देता हूँ। जो आंकड़े निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं, वो मैं आपको आंकड़े दिखा दूं। यहाँ पर देखिए ये बिग स्क्रीन के माध्यम से ये आंकड़े डिस्प्ले किए गए हैं कि किन लोकसभा सीट में क्या कुछ अभी मतदान का प्रतिशत। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये जो 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत है वो उसके आंकड़े हैं। सबसे पहला मैं झंझारपुर में 10.41, उसके बाद सुपौल में जो है 11.4 में 10.971%, मधेपुरा में 10.71%, खगड़िया में 10.41%, ओवरऑल 10.78% जो है मतदान अभी तक हो चुका है ये 5 लोकसभा सीट का। देखिए ये पहले चरण से और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत जो 2 घंटे का जो शुरुआती जो समय रहा था उससे कहीं ना कहीं बेहतर है। देखिए आज मौसम भी जो है अच्छा है, जिस कारण से जो है लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, मतदान का जो करने का उपयोग करें। और आप ये देखिए जो हेल्प टैक्स बनाया गया, देखिए सभी मैं लोकसभा सीटों का बता दूं, खगड़िया का यहाँ पर मतदान केंद्र को लेकर जो भी अपडेट्स है यहाँ पे लिया जा रहा है। अररिया का जो है जो भी अपडेट्स है दूसरे जो डेस्क की तरफ से बताया गया यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं मधेपुरा का, यानी 5 जो लोकसभा सीट है उन तमाम जगह के लिए विशेष रूप से जो है टीम को कोऑर्डिनेट करते हुए जो है यहाँ पे काम कराया जा रहा है। और पल पल की अपडेट्स, यानी किसी भी तरह की कहीं ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ी का जो मामला आ रहा है या किसी भी तरह से वोट प्रभावित अगर हो रहा है तो उन तमाम चीजों को लेकर अपडेट्स पॉइंट टू पॉइंट जो है समय दर समय जो है वो अपडेट्स लिया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी जो है पॉइंट्स नोट करके जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग इस पर पल पल की नजर है। और देखिए मीडिया के माध्यम से भी, हमारे चैनल्स के माध्यम से भी जो है इन चीजों को जो है अपडेट्स जो है किया जा रहा है। और ये देखिए खुद जो है मैं अपडेट्स के बारे में खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है यहाँ पे थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उन्होंने भी अपडेट्स को लेकर जो है अपनी बातों को रखा। आनंद शर्मा जो है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आलोक घोष, ये दोनों लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए इन चीज़ों को देख रहे हैं, टीम किस तरह से काम कर रही है उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो रहा। मैं आलोक आनंद शर्मा जी से बात कर लेता हूं कि जो 2 घंटे का जो रुझान सामने आया, जो प्रतिशत आया है वो किस तरह का है, मतदाताओं में जो है इस बार की जो है मतदान करने को लेकर रुचि कितनी दिख रही है। सर जो इस 2 घंटे में जो पिछले 2 चरणों का जो मतदान हुआ इसमें क्या कुछ अंतर सर? नहीं, अभी काफी अच्छा जो रहा है हमारा पहला 2 घंटा, 10.78% मतदान हुआ है पहले 2 घंटे में, तो सब जगह उत्साह दिख रहा है। उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा रहेगा। गड़बड़ी सर उसके बाद, क्योंकि शुरुआती चरणों में तो कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी जिसे तत्काल ठीक करने का प्रयास किया गया और बहुत जल्दी रिप्लेस किया गया? नहीं, वो तो थोड़े बहुत ऐसी है, मशीन है, कहीं कहीं पे आती है फॉल्ट, लेकिन हम लोग इमीडिएटली उसको रिप्लेसमेंट का काम हो जाता है, उसको सही कर लिया जाता है। अभी ऐसी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी पूछे कि स्वीप गतिविधियों का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर स्वीप गतिविधियों का भी एक प्रभाव को लेकर भी हम बात करें सर, स्वीप गतिविधियों की कितना असर दिखा सर? नहीं, हम लोग इस बार बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली जो है हाउस टू हाउस अपने फील्ड फंक्शनरीज के माध्यम से जो हमारे नीचे जमीनी स्तर के हमारे जितने भी कर्मी हैं उनको लगा के हर घर जो है भेजा गया, और जो है जितनी भी हमारे फैसिलिटीज हम लोग पोलिंग स्टेशन पे दे रहे हैं उसके बारे में, और एक वोट अपील लगातार सबसे की गई, तो उसका जरूर उसका असर तो है।
दीपक, जिस तरह से जो वोटरों को जागरूक करने को लेकर जो एक मुहिम है या जो अपील जो की जा रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो, इन चीजों को लेकर जो है ध्यान निर्वाचन आयोग लगातार रख रहा है। और देखिए हाउस टू हाउस जो है गतिविधियों को जोड़ते हुए, यानी लोगों को जोड़ते हुए या उन लोगों को जागरूक करते हुए कि मतदान कितना जरूरी है, इन चीजों को लेकर हमारे साथ आलोक घोष जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सर, जो इस बार का जो मतदान प्रतिशत दिख रहा है शुरुआती रुझान में कि कुछ जरूर पहले से और अभी में जो है बदलाव हुआ है और लोग जागरूक थोड़ा सा दिख रहे हैं, संख्या बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ा है। देखिए जो मतदाता जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो तो हालांकि सभी फेजेज में चल रहा है, लेकिन इस बार मौसम भी काफी फेवरेबल है और जो हम लोग पिछले दो फेजेस गए हैं जिसमें काफी गर्मी थी, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इलेक्शन पर पड़ा है। इस बार वो समस्या नहीं है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं, अभी 9 बजे का जो रिपोर्ट है, दोनों ही फेजेस में से अधिक इस बार का वोट परसेंटेज जो है 10.7% आ चुका है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मौसम ऐसा रहा और जिस प्रकार से वोटरों में जोश है मतदान का जो प्रतिशत है निश्चित रूप से बढ़ेगा। और सभी मतदाताओं को आपके माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि घर से बाहर निकलिए और मतदान केंद्रों पर जाएं। मतदान केंद्रों पर कई सुविधाएं इस बार प्रोवाइड की जा रही हैं, पीने का पानी वहां पर उपलब्ध है, रैंप और व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए है, असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स की वहां पर सुविधा है। और जो एक भ्रांति लोगों के मन में जो जनरली रहती है कि वोटर पर्ची अगर नहीं है तो वोट नहीं कर सकते, वैसी कोई बात नहीं है। आप वोटर पर्ची मात्र आपका क्रमांक और अपना बूथ की जानकारी लेने के लिए होती है और आप अगर अपने बूथ पर पहुंच गए तो वहां पर निश्चित रूप से कोई भी पहचान कार्ड, वोटर कार्ड हम लोग चाहेंगे, वोटर कार्ड के माध्यम से लोग वोट करें। और अगर किसी कारण से नहीं है, खो गया हो, नहीं मिल पाया, तो वैसी जी अन्य वैकल्पिक अपने पसंदीदा जो भी उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर आप जो अपना कर्तव्य जो निभाने का काम करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, जो आसपास के लोग हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो भी जाएं और मतदान करें। बिल्कुल गौतम, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं, खासतौर पर उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहा है कि अपने घर से बाहर निकलें, आज मौसम भी सुहाना है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी तरह की कोई अफवाह भ्रांति में न रहें। आपके पास पर्ची नहीं है तब भी आप मतदान केंद्र तक पहुंचे, वहां आपको मतदान कर्मी मदद करेंगे आपके मतदान को पोल कराने को लेकर। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और चुनाव से जुड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, देखते रहिए कशिश न्यूज़।